वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांग कच्छ की सैर। इसके लेखक है हरेश धोलकिया। इस पाठ का साहित्य प्रकार है यात्रा वृत्त और इसके अनुवादक है महेश भाई उपाध्याय। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस यात्रा वृत्त के दूसरे भाग का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इससे पूर्व हमने अगले वीडियो में कच्छ के बारे में क्या अभ्यास किया उसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली। तो सबसे पहले हमने देखा था कि भारत में कई दर्शनीय प्रांत है और उसमें भी गुजरात बहुत ही रमणीय है और गुजरात का एक विशिष्ट जिला कच्छ, जिसकी हमने बहुत सुंदर और उसके रमणीय प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके दर्शनीय स्थानों को देखा। तो हमने पहले कच्छ में प्रवेश करते ही हमने देखा कि सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, रेगिस्तान के दो भाग, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। उसके बाद कच्छ का प्रवेश द्वार जिसे कहा गया है उसे क्या कहते हैं, सामखियाली, मतलब सामखियाली को कच्छ का प्रवेश द्वार कहा गया है कि यहाँ से कच्छ के यात्रा की शुरुआत होती है। और सामखियाली से उत्तर दिशा की ओर जाते ही धोलावीरा की 5000 वर्ष पूर्व हमारी अति प्राचीन संस्कृति हमारे सामने आती है और धोलावीरा की इस संस्कृति को देखकर हमें हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो की याद आ जाती है। तो यहाँ पर जो तस्वीर है वो धोलावीरा की प्राचीन संस्कृति के अवशेषों की तस्वीर है। फिर आगे हमने देखा था कि सामखियाली से पश्चिम की ओर यात्रा करते ही भचाऊ आता है, एक बड़ा नगर, और फिर वहां से औद्योगिक कारखानों का एक शहर आता है जिसका नाम है गांधीधाम, जो उद्योगों के लिए बहुत ही विकसित और प्रसिद्ध शहर माना जाता है, जहां पर सिंधी प्रजा बसती जो पाकिस्तान से आई थी। गांधीधाम की तरह ही आदिपुर और गोपालपुरी भी बहुत ही औद्योगिक के रूप में विकसित शहर है। और फिर कंडला बंदरगाह का महत्व भी उतना ही बड़ा है जो आदिपुर में है। फिर कंडला के आगे जाकर हमने दक्षिण की ओर बहुत ही प्राचीन भद्रेश्वर का जिनालय देखा, जैन यात्रा धाम, जो कितने वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। वो भूकंप के कारण खंडित हो चुका था और आज उसका नया रूप, आधुनिक रूप हमारे सामने आया है। उसके बाद मुंद्रा जो तहसील का केंद्र है, और फिर समुद्र के किनारे यात्रा करते हुए मांडवी आता है जो एक अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी के समुद्र किनारे पर कई सारे पवनचक्किया है, कई सारे राजाओं के प्राचीन महल है और बहुत ही रमणीय समुद्र किनारा है। उसी के साथ साथ वहां पर VRTI ग्राम्य संस्था, 72 जिनालय और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है जो बिदड़ा गांव में है। फिर उसके आगे नलिया शहर में हम पहुंचे तो वो एक तहसील का केंद्र है और वहां पर हमारे भारत की वायुसेना का मुख्य अड्डा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक कच्छ की सैर की थी। अब हम नलिया से आगे जाएंगे। तो नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। यानी कि नलिया से आगे जाए तो 1 घंटे के बाद
नारायण सरोवर नामक स्थान आता है, जो अति प्राचीन और पौराणिक और साथ ही साथ धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है, मतलब कि जब भगवान राम का अवतार हुआ था उस समय का ये प्राचीन स्थान माना जाता है। वहां कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहां से रावण गुजरा था। यहाँ पर एक मंदिर है कोटेश्वर नामक, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से कौन गुजरा था? रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। सूर्योदय अर्थात सनशाइन और सूर्यास्त अर्थात सनसेट, यानी कि यह जो बहुत ही पौराणिक स्थान है वो भारत का सबसे प्राचीन स्थान है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से रावण गुजरा था, और वहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त देखना बहुत ही महत्वपूर्ण और आकर्षक माना जाता है। यह जो मंदिर है वो कौन सा है? कोटेश्वर मंदिर, जहां से रावण गुजरा था। और यह है नारायण सरोवर, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक सरोवर है। अब आगे नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है, यानी कि नारायण सरोवर से हम आगे जाए तो कौन सा स्थल आता है? लखपत। और वहां पर बहुत ही प्राचीन गुरुद्वारा है, गुरु नानक के चरण रज से पावन गुरुद्वारा। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। उस समय यह जो स्थल था, मतलब कि लखपत जो था, बहुत ही समृद्ध था, लेकिन भूकंप के कारण वो क्या हो चुका है? जीर्ण हो चुका है, लेकिन फिर भी देखने लायक है, यानी कि दर्शनीय है। इतनी प्राचीन और सुंदर इमारतें वहां पर है। यहाँ पर तस्वीर में हम देख सकते हैं। यहाँ एक किला है, उसके बगल में प्रांद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि कच्छ में प्रांद्रो खनिज संपत्ति है, साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र भी है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है, मतलब कि लखपत से हम आगे जाए तो कच्छ के मध्य में हाजीपीर एक दरगाह आती है, जो मुसलमानों के श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर पीर की मजार है, यानी कि दरगाह है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है, मतलब कि पूरा रेगिस्तान हम यहाँ से देख सकते हैं। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान आता है, जो माता जी का अति प्राचीन मंदिर है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है, और रास्ते में जक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाय जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। मतलब कि कच्छ के कई ऐसे स्थान है जो बहुत ही देखने के लायक है, जैसे कि लखपत में अति प्राचीन गुरुद्वारा है, जो गुरु नानक की चरण रज से पावन और पवित्र है। उसी तरह खनिज संपत्ति के लिए प्रांदो एक स्थल है, जहां पर खनिज संपत्ति और साथ ही साथ विद्युत निर्माण का भी कार्य होता है। उसके बाद हाजीपीर, जो मुसलमानों की श्रद्धा का केंद्र है, और यहाँ से आगे जाओ तो माता का मढ़ नामक एक धार्मिक स्थान आता है, एक मंदिर आता है, जहां पर लोग पद यात्रा करते श्रद्धा भाव से आते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है, मतलब कि कच्छ का मुख्य केंद्र माना जाने वाला भुज, जो अतिशय प्रसिद्ध और विकसित है, जो कच्छ के संपूर्ण वैभव का हमें परिचय कराता है।
यहाँ पर हम देखें तो आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, बुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और उसे सुंदर बना दिया। यानी कि अब कच्छ का सबसे मुख्य केंद्र भुज आता है और भुज में कई सारे देखने लायक स्थल हैं। जैसे कि यहाँ पर हम तस्वीर में देख सकते हैं, पहली जो तस्वीर है वो किसकी है, आईना महल की। उसके बाद यह जो नाम है प्राग महल, तो दूसरी तस्वीर किसकी है, प्राग महल की, जो कितना वैभवशाली और प्राचीन दिखाई दे रहा है। उसके बाद यह है स्वामीनारायण मंदिर, जो बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। हिल गार्डन, जो भुज का बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर गार्डन है। हमीरसर तालाब, जो अति प्राचीन है। उसी तरह भुजिया पहाड़, जिससे हम कच्छ की झांकी कर सकते हैं, मतलब कच्छ का पूरा रण देख सकते हैं। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है, मतलब भुज से आगे जाओ तो एक काला डूंगर आता है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है और देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। यानी कि कच्छ के ये बहुत सारे दर्शनीय स्थान हमने देखे। हमने धोलावीरा की प्राचीन संस्कृति देखी, कच्छ का प्रवेश द्वार श्याम ख्याली देखा, उसके बाद हमने गांधीधाम देखा जो औद्योगिक कारखानों का शहर है, उसके बाद अति प्राचीन भद्रेश्वर जैन यात्रा धाम देखा, मांडवी देखा, नलिया में हमने नारायण सरोवर देखा, लखपत में हमने गुरु नानक की चरण रस से पावन गुरुद्वारा देखा, उसके बाद हाजीपीर देखा, माता का मठ देखा। लेकिन इन सब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भुज है। भुज में भी हमने आईना महल, प्राग महल, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, भुजिया पहाड़, इन सभी को देखा, उसकी सुंदरता को जाना। लेकिन फिर भी कच्छ में सबसे ज्यादा आकर्षण का अगर कोई केंद्र है तो वो क्या है, कच्छ का सफेद रेगिस्तान, जहां पर हर साल भारत सरकार के द्वारा रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर जो तस्वीर है वो रणोत्सव की है, जो सफेद रण में हर साल मनाया जाता है। देश विदेश से हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर रणोत्सव मनाने आते हैं। यहाँ पर देखो कच्छ का रण उत्सव, यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि कितना वैभवशाली है ये। यहाँ पर सफेद रण में कई सारे लोग आते हैं और इस सुंदर सफेद रण का आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, उसे मनाते हैं। उसके बाद भुज से अंजार भी जाया जाता है, मतलब भुज से आगे जाओ तो क्या आता है, अंजार। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। मतलब कि कच्छ प्राचीन स्थान होने के साथ साथ यहाँ के लोगों में हस्तकला भी बहुत ही प्रसिद्ध है। वो प्राचीन हस्तकला का केंद्र है कच्छ, पर वहां पर सृजन नामक एक संस्था है जो प्राचीन हस्तकला का केंद्र है, जहां पर हमें सारे प्राचीन हस्तकलाएं देखने को मिलती है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है,
जो ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। मतलब कि इसके आगे हम जाए तो जेसर तोरल की स्मृति में बना प्राचीन समाधि मंदिर आता है, जेसर जाडेजा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसका समाधि मंदिर बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान है। और फिर यहाँ से हम वापस गांधीधाम जा सकते हैं, और अंत में सूरजबारी नामक स्थान से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। यह है सृजन नामक संस्था, जो कच्छ की सुंदर हस्तकला का परिचय देती है। यहाँ की स्त्रियाँ हस्तकला में बहुत ही पारंगत है, और हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि उसकी हस्तकला कितनी अद्भुत और सुंदर है। फिर अंत में कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है, और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। मतलब कि कच्छ गुजरात का गौरव माना जाता है, और इसीलिए हमने कई बार सुना होगा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो हमें भी कच्छ के इस अविस्मरणीय स्मृति को अपने मन में लाने के लिए कच्छ की सैर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्राचीन और अद्भुत दर्शनीय स्थान है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी कच्छ की सैर पूर्ण होती है। अब आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।